अगर हमारे अंदर अपने महान प्रभु को चुनने की अच्छी समझ है, जिनका जीवन सबसे लंबा है, जिनका कभी अंत नहीं है, जो हमेशा जीवित रहेंगे, तो प्रभु ने हम लोगों को जो मार्ग बताया है, उससे हम कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि इन आखिरी दिनों में जो भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रभु हमारी इस पृथ्वी पर उंडेल रहे हैं, उससे हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव बहुत ही जल्द होगा। हम एक दोस्त से मिलने वाले हैं, जिसने ये अभिषेक प्राप्त किया है और उसे प्रभु की उपस्थिति महसूस भी हुई है। जैसा इसका नाम है, उसी तरह ये घर पर भी स्वर्ग दूत की तरह रहती है। हम लोग ये देखते हैं कि ये भविष्यवक्ता का अभिषेक पाने से पहले कैसी थी और अब ये कैसी है। अभिषेक मिलने के बाद इसका जीवन किस तरह से बदल गया, चलो हम लोग उसी से सुने। हाय दोस्तों, मैं एंजेलिना नर्मुगई। मैं क्योनी मैट्रिकुलेशन स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा पहले का जीवन इतना अच्छा नहीं था। माँ की कोई भी बात मैं नहीं मानती थी। एक बार मैं सुबह की सभा में गई और वहाँ देर से आने पर माँ ने मुझे डांटा। मैं वहाँ पर यशोव पिता से प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने मुझे उत्तर देने का वादा किया और शांत थे। मुझे यह अनुभव हुआ, मुझसे प्रभु यशोवा ने कहा कि तुम डरो मत, कुछ मत करो। तुम किसी पर गुस्सा करोगी तो वो तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा। तो फिर मैं शांत रही और रात में सोने से पहले प्रार्थना की। बिस्तर में जाने पर प्रभु यशोवा ने बोला, मैं तुमको स्वर्ग लोक लेके जाऊंगा। ऐसा सुन के मुझे अपने मन में बहुत खुशी महसूस हुई और मैं अपनी खुशी सभी लोगों के सामने जाहिर नहीं करती। और फिर उसके बाद गैब्रियल नाम का एक स्वर्गदूत मुझे स्वर्गलोक ले गया। वहाँ पर मैंने हीरे का ग्लास देखा, वो बहुत खूबसूरत था। उसी ग्लास में मुझे जूस दिया गया, मैंने वो जूस पिया। यशोवा पिता ने मुझे एक चाबी दी। जब वो चाबी मैंने चिन्ह पे रखा तो पता क्या हुआ, बड़ा दरवाज़ा था वहाँ और वो दरवाज़ा तुरंत खुल गया। 5 सड़कें थी वहाँ और मैं फिर हीरे की सड़क पे चलने लगी। वहाँ पर एक सुनहले रंग की गली थी और उस गली में आगे यशोवा पिता थे। मैंने वहाँ 5 दरवाजे देखे। हर दरवाजे के पीछे बहुत से लोग थे। पहला दरवाज़ा खोल के मैं अंदर गई। वहाँ एक चर्च था और उस चर्च में लोग थे, हमारी तरह काफ़ी सारे लोग थे। वहाँ पर कोई लगातार प्रार्थना कर रहा था। मैं आगे बढ़ी दूसरे दरवाजे की ओर। दूसरा दरवाज़ा खोलने पर वहाँ बहुत से बच्चे थे। हाँ, हमारी तरह ही बहुत से बच्चे वहाँ खुशी से खेल रहे थे। वो बहुत ही खुशी से खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्ग लोक में किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आओ तो तुम्हें भी हमारी तरह खुशी का एहसास होगा। मैंने कहा ठीक है। तब तीसरे दरवाजे पे गई। वहाँ जानवर कार्टून थे। हमें छोटा भीम नहीं देखना चाहिए क्योंकि हम लोग यशोवा पिता की प्रार्थना करते हैं। यशोवा पिता हमें सीधा स्वर्ग लोग ले जाएंगे उनसे मिलाने के लिए। जब ये सब हो रहा था तो यशोवा पिता बिल्कुल शांत थे। यशोवा पिता बाहर ही खड़े थे। मैं जैसे ही चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ी, यशोवा पिता ने मुझे बुलाया और बोला,
तुम अपने माँ बाप का कहना मानो, परिवार के लिए प्रार्थना किया करो, जो तुम्हारे आसपास है उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। मैं चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ी, वहाँ बहुत सारे एरोप्लेन्स, बाइक्स, कार्स थे उस दरवाजे में। यशो पिता ने मुझे एरोप्लेन में जाने को बोला। बहुत देर तक वहाँ बैठने के बाद मैं यशो पिता को खोजने गई। मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था। मैं जब एरोप्लेन के आगे गई, जब मैंने देखा तो पायलट की सीट गुलाबी रंग और पीले का मिला जुला रंग था। मुझे उड़ाने के लिए कहा गया था। मैं बस ऑन बटन दबाई तो प्लेन अपने आप उड़ गया। उड़ते हुए प्लेन से मैंने बहुत से जानवर देखे, डायनासोर, हिपोपोटामस, ऐसे बहुत से जानवर। जब मैं देख रही थी, उन सब ने अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोला। मैंने अपने हाथों से जब उनके दांत छुए तो उनके दांत बहुत ही नुकीले थे। और फिर जाके एक जगह जब प्लेन उतरा, वहाँ शेर राजा, शेर रानी और उनके बच्चे आए। मैं राजा और रानी के ऊपर जाके बैठी तो उन लोगों ने मुझे हाथी और बहुत से जानवर दिखाए। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने प्रभु यीशुआ से बोला, यीशुआ पिता, मुझे अब कभी उदास नहीं होना है। ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे क्लास के दोस्त मेरे द्वारा आपके पास आए और मैं बाकी सभी बच्चों के लिए, हाँ, अपने क्लास के दोस्तों के लिए एक उदाहरण बनूं। मैंने उनसे सब कुछ बताया। प्रभु यीशुआ से मैंने अपनी सारी परेशानी बता दी। तब यीशुआ पिता ने मुझसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी देख लूँगा। फिर मैं अपने बिस्तर पे चली गई। उस दर्शन के बाद मैंने बहुत बहुत से दर्शन देखे, स्वर्ग लोक के दर्शन। मेरी माँ ने बोला कि अब हम कोयम्बटूर जाएंगे, क्योंकि सब लोग वहीं पे थे। मैं उसी रात जब प्रार्थना करके अपने बिस्तर पे गई, तब प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम अपने घर पे ही रहो, नहीं तो तेनमोली आंटी के घर जाओ और उनके घर जाके वहीं पे प्रार्थना करो तुम। ये कहा उन्होंने। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ से बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने जाने का ख्याल छोड़ दिया। उसके बाद यशोवा पिता ने फिर से वही बात मुझसे 2-3 बार बोली। मैंने ये भी बात माँ से बताई तो वो भी राजी हो गई कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। दिन पे दिन मैं यशोवा पिता के और भी ज्यादा करीब होती चली गई। बिना किसी परेशानी के यशोवा पिता ने मेरी सहायता की, उसके लिए यशोवा पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमने एंजेलिना की गवाही से जाना कि हमारे अंदर भी जब ऐसा भविष्यवक्ता का अभिषेक आएगा तो हमारे अंदर भी कितना परिवर्तन आएगा। तुम्हारे जैसे बच्चों की आत्मिक आंखें जरूर प्रकाशित होंगी, जिससे कि तुम भी इस तरह के स्वर्गीय दर्शन देख पाओगे। हम एंजेलिना की माँ से उसके और उसके दर्शन के बारे में पूछें क्या? तो आ मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, ये है हमारा छोटा परिवार। बहुत देर से तुम सब हमारी एंजेलिना नर्मुगई के बारे में सुन रहे हो। मैं एंजेलिना नर्मुगई की माँ हूँ। प्रभु यीशुआ ने एंजेलिना नर्मुगई को अपने आशीर्वाद से भविष्यवक्ता बनाया है। अगर मैं इसकी पिछली जिंदगी के बारे में बोलूंगी तो ये बोलूंगी कि वो पहले क्या करती थी, स्कूल से आते ही सब कुछ छोड़ के बस टीवी के सामने बैठ जाती थी। कोई कहना नहीं सुनती थी, हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाया करती थी। तो इसी तरह मैंने उसके अंदर काफी सारी बुरी आदतों की झलक देखी थी हमेशा। तो मैं हमेशा इसे देखकर परेशान हो जाती और प्रभु यीशुआ से प्रार्थना करती थी कि एक दिन मैंने एंजल टीवी पर आने वाला कार्यक्रम देखा, जिसमें साधु दादा ने छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था। उसमें मैंने देखा कि बच्चों को महान भविष्यवक्ता बनने के लिए अच्छे से समझाया जाता है। तो उनसे प्रोत्साहित होकर मैंने भी प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि मेरी बेटी अच्छी भविष्यवक्ता बन जाए और ये भी कि योवेल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन का अभिषेक प्राप्त कर सके, जो कि बच्चों के लिए है। इसके लिए मैं प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते समय प्रभु यीशुआ ने मेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे उत्तर दिया। मैंने प्रभु से बहुत ही मन से प्रार्थना की थी और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे उत्तर भी दिया। एक रात 24/4/2014 को जब रात में प्रार्थना करने के बाद हम लोग सोने के लिए गए, तो उठके दूसरे दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि
मैं रात को स्वर्गलोक घूमने के लिए गई थी, वहाँ बहुत अच्छा लगा। पहले मैं इसे बोलती थी कि कार्टून मत देखा करो, खास करके छोटा भीम, ड्रैगन्स और भी बहुत सारे कार्टून्स। मैं उसे मना करती थी, मैं उसे कहती थी कि अगर तुम ये सब देखोगी तो नर्क में जाओगी, मगर ये इस कान से सुनती थी और उस कान से निकाल देती थी। मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल सुनती नहीं थी। फिर उस रात प्रभु यीशुआ ने प्रार्थना सुनी तो इसे लेकर स्वर्ग लोक गए, और इसे पहली बार स्वर्ग लोक जाने का मौका मिला प्रभु यीशुआ के साथ। इसने स्वर्ग लोक जाकर बहुत सारी चीजें देखी, और वहां पर प्रभु यीशुआ ने इससे क्या बोला ये हम देखें तो, प्रभु यीशुआ ने इससे कहा कि पता है इससे वहां क्या बोला? उन्होंने कहा कि बच्चों तुम्हें देखना है तो एंजल टीवी देखो। मेरी बेटी जब वहां स्वर्ग लोक में गई थी तो पता है इसने क्या देखा वहां? इसने छोटा भीम देखा वहां, और छोटा भीम को छूने के लिए जब इसने हाथ बढ़ाया तो जानवर बन गया, और जब जानवरों की तरफ इसने हाथ बढ़ाया तो वो आदमी बन गया। उस वक्त मुझे समझ में आया कि ज्यादातर हम इंसान जानवर बन जाते हैं, और हम दूसरे इंसानों के साथ भी जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे अपनी बेटी में स्वर्ग लोक से आने के बाद बहुत बदलाव दिखे, जब से प्रभु यीशुआ ने बोला कि एंजल टीवी देखना। इस तरह से जब से स्वर्ग लोक से आई है इसमें बहुत बदलाव आए हैं। प्रभु यीशुआ ने इसे अच्छी तरह समझाया है कि एंजल टीवी देखो। अब जब भी टीवी पर कार्टून फिल्म आती है तो ये कहती है कि मुझे नहीं देखनी है, टीवी बंद कर देती है, और बेकार की फालतू बातें करना इसने बिल्कुल बंद कर दिया है। सोने के लिए जाते वक्त ये प्रार्थना करती है, और जब उठती है तब भी प्रार्थना करती है। ये घुटने के बल बैठकर हमेशा प्रार्थना करती है, स्कूल से आने के बाद भी ये प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती है, और साथ ही इसके बाइबल के वचन भी पढ़ती है। साधु दादा जो बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं ना, वो बताते हैं एंजल टीवी में योवेल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन पर आधारित वो कार्यक्रम तुम सब जरूर देखा करो बच्चों, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये सब तुम लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। इस कार्यक्रम को देखकर बड़े लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत बदलाव आ जाता है। इस कार्यक्रम को देखकर बड़े लोग भी प्रभावित होंगे, तो जब वो छोटे बच्चों का उपयोग करेंगे तो हम बड़ों को भी उन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रभाव से हमें ये महसूस होता है कि हम बड़ों ने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। हम अच्छे से प्रार्थना करें, अगर हम अच्छी तरह से सेवकाई करें तो हमारे अंदर भी प्रभु के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, जिससे हम प्रभु के और समीप हो सकें। हम सभी लोगों के लिए अभिषेक पाना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रभु हमारे जीवन से खुश होते हैं तो हम आखिरी दिनों के भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रार्थना करके जरूर पाएंगे। पवित्र आत्माएं हमें मार्ग दिखाएंगी। एंजेलिना ने जब इस तरह से प्रार्थना की तो प्रभु यीशुआ ने उसे वो संकट बताया जो उसके परिवार पर आने वाला था, और प्रभु यीशुआ ने इससे बचाया। चलिए हम उसकी बड़ी माँ से पूछें। मैं एंजेलिना की बड़ी माँ हूँ, मैं कोयम्बतूर में रहती हूँ, और इसने बताया था कि परिवार के लिए इसने प्रार्थना की थी, तो वो परिवार हम ही हैं। हमारे लिए ही इसने प्रार्थना की थी, हम इसकी प्रार्थना की वजह से एक बहुत बड़े संकट से बच गए। एंजेलिना की प्रार्थना करने की वजह से हम बदल गए हैं, हमारी रक्षा हुई है, हम जीवित हैं और हम प्रभु यीशुआ को अपना चुके हैं। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे प्रार्थना करके प्रभु यीशुआ से छुपे हुए राज और प्रकाशित वाक्य जान सकते हैं, अगर वो चाहें तो। जो भविष्यवक्ता का अभिषेक एंजेलिना के अंदर कार्य कर रहा है वही उसके इस महान गवाही का कारण है। आखिरी दिनों के इन छोटे बच्चों के द्वारा ही प्रभु की महान योजना पूरे होने का इंतजार कर रही है। हमारे अंदर जब प्रभु यीशुआ का और अधिक प्यार होगा तो हम जरूर एक गीत गाना चाहेंगे। तुम भी हमारी दोस्त की तरह प्रभु के गीत गाओ। हमारी दोस्त एंजेलिना अपनी दादी की बहुत ही प्यारी है, उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती है, तो चलो
हम उसके बारे में उसकी दादी से पूछें? मैं एंजेलिना की दादी हूँ। जानते हो एंजेलिना पहले क्या करती थी? वो हमेशा कार्टून देखा करती थी, दूसरे चैनल देखती ही नहीं थी। ऐसे हालात में ये 24/4/2014 को वो स्वर्गलोक चली गई थी, तभी के बाद से ये अच्छी बच्ची बन गई है। अब सिर्फ वो एंजल टीवी ही देखती है, जैसा प्रभु ने इससे कहा है ये मान गई है, और उसके बाद ये बहुत बदल गई है। हमेशा प्रार्थना करती रहती है, ये अच्छे से प्रार्थना करती है, समय पर स्कूल जाती है, अच्छे से पढ़ती है, और हम जो भी कहें ये मानती है और हमारी बातों को अनसुना नहीं करती है। मैं कमज़ोर हूँ और हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करती है। उसने अपने माँ बाप के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। जब से वो स्वर्ग लोक से वापस आई है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और ये बदलाव हम देखते हैं। और उसके स्कूल के जीवन में, खेल में, कार्टून, खास रूप से अब वो बिल्कुल भी कार्टून नहीं देखती है। पहले तो वो टीवी ऑन करती थी तो बस कार्टून ही देखा करती थी, हमें कुछ भी देखने नहीं देती थी वो। हम कहते थे कि एंजल टीवी लगाओ बेटा, तो कहती थी चुप रहो तुम, और चिल्लाती थी मुझ पर, हमेशा चिल्लाती थी। अब वो एकदम बदल गई है, 100% बदल गई है। अब वो हमारी सारी बातें सुनती है, प्यार करती है। शाम को जब आती है और मैं थकी हुई लगती हूँ तो पूछती है कैसी हो, चाहिए क्या, और मेरे लिए वो प्रार्थना भी करती है। इसके अच्छे विचार सुनकर हम भी प्रभु को प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हम हिंदू परिवार से थे पहले, पर अब हम प्रभु यीशुआ को ही मानते हैं और प्रभु यीशुआ की ही प्रार्थना करते हैं। एंजेलिना की वजह से हमारा जीवन बदल गया है। हर दिन प्रभु यीशुआ की ये मन से प्रार्थना करती है। बस इतना ही नहीं, दर्शन देखने की भी इच्छा इसमें बहुत अधिक थी। एक दिन अच्छे से प्रार्थना करने के बाद जब वो सोने के लिए गई, ईश्वर के पास उसके लिए कुछ खास था। स्वर्ग लोग जाके इसने बहुत सारे दर्शन देखे और अब फिर से वो प्रार्थना में इंतजार कर रही है। वैसे ही अद्भुत स्वर्गलोक के दर्शन देखने के लिए इसने उसके बाद और भी दर्शन देखे। चलिए हम चल के उससे सुने। एक रात जब हम सब प्रार्थना करके सोने के लिए गए, तब मेरी माँ ने हम सब से कहा कि हम अगले दिन यहाँ से कोयम्बटूर जाने की सोच रहे हैं। तब यशोदा पिता ने मुझसे रात में सोते वक्त कहा कि तुम अपनी बड़ी माँ, दीदी और पापा के लिए प्रार्थना करो, जो लोग वहाँ पर हैं, ऐसा कहा यशो पिता ने। मैंने कहा ठीक है यशो पिता। मैं यशो पिता की प्रार्थना करके सो गई। अगले दिन उन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया। अगले दिन जब यशो पिता ने कहा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करके सोने जाना, और जब मैं प्रभु यशुआ की प्रार्थना की तो प्रभु यशुआ ने मुझे दर्शन दिखाया। क्या दर्शन था पता है? प्रभु यशुआ ने मुझसे लूका के 10:27 के द्वारा बात की। वो वचन क्या है पता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, ऐसा प्रभु ने कहा था। मैंने इसका मतलब माँ से पूछा, फिर उन्होंने बताया। अब हम एंजेलिना के बारे में एलशदाई फायर मिनिस्ट्री की अगुवा से पूछें, जहां एंजेलिना हमेशा प्रार्थना करने जाती है और प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाती है। तो चलिए हम उसके बारे में सुने उनसे। मैं एंजेलिना नर्मुगई के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी, उसके जीवन के बारे में, उसके आत्मिक जीवन के बारे में। इतनी छोटी सी उम्र में प्रभु यीशुआ ने उसे अद्भुत चीजें प्रदान की हैं। इतना ही नहीं, हम जो एलशादाई मिनिस्ट्री ऑफ फायर में भविष्यवाणी की प्रार्थना करते हैं, वो उसमें आती है। शुरू में हम हर एक बच्चे से अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हम उसकी तरफ देखते थे तो ये बच्ची मुझे थोड़ी सुस्त लगती थी, अकेली बैठी रहती थी, उससे प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता था, और वो आंखें बंद करके कभी प्रार्थना नहीं करती थी। वो सुस्त रहती थी, उसके बारे में मैं चिंतित रहती थी, ये सोच के
कि प्रभु सभी बच्चों पर अभिषेक उंडेल रहे हैं, लेकिन ये बच्ची तो मैं चिंतित हो जाती थी और प्रार्थना करती थी। कहती थी कि बच्ची को अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाइए। फिर वो हमेशा प्रार्थना के लिए आने लगी तो मैंने काफी बदलाव देखे। मैंने हमेशा उसे आत्मा में भरा हुआ देखा, दर्शन प्रभु को उसे स्वर्ग लोक से दर्शन दिखाते हुए देखा। मुझे याद है उसकी माँ मुझसे बोल रही थी कि बहन आजकल वो बहुत अधिक प्रार्थना कर रही है, वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु का धन्यवाद करती है और प्रभु यीशुआ उससे बातें करते हैं। उसकी माँ ने मुझे ये सब बताया। वो बहुत खुश थी। एक दिन जब वो अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना कर रही थी, प्रभु यीशुआ ने उससे कहा कि बहुत सारे धन्यवाद देकर प्रार्थना करो बेटी, बहुत सारे गीत गाओ। और जब वो गीत गा रही थी तो प्रभु उसे लेकर स्वर्ग लोक गए और उस बच्ची को प्रभु यीशुआ ने बहुत सारे दर्शन दिखाए जो कि तुम लोगों ने सुना। बस इतना ही नहीं, एक बार एक टीम लेकर हम आंध्र प्रदेश गए थे जहाँ पर जाके हमें 12 घंटों तक प्रार्थना सभा करनी थी वहाँ पर। ये बच्ची, इसकी भी बहुत इच्छा थी वहाँ जाने की। ये सिर्फ व्यस्त लोगों की सभा थी पर ये चलने की जिद करने लगी और स्कूल भी नहीं गई है। हम देख सकते हैं कि आखिरी दिनों की भविष्यवाणी की आत्मा के स्वर्गीय आग से बिल्कुल भरी हुई थी ये, और भविष्यवक्ता का इस पर अभिषेक हो चुका था जिससे कि ये बहुत उत्साहित थी। और जब हम 2 दिन बाद प्रार्थना करके घर आ रहे थे तो प्रभु इसे अपने साथ स्वर्ग लोक लेकर गए। वहाँ पर जब प्रभु ने इसे बहुत सारी बातें बताई और जब इसने इन बातों की यहाँ गवाही दी तो हम उसे सभी चर्च में लेकर गए और गवाही दिलाई, और जिन लोगों ने इसे देखा और सुना आश्चर्यचकित रह गए और हमने देखा कि लोग ये अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी और आत्मा से भर गई थी तो प्रभु उसे स्वर्ग लोक ले गए और कुछ खास बातें बताई उन्होंने। पहला ये था कि परिवार का भार लेके प्रार्थना करना अच्छा होता है, जब प्रार्थना करोगी तो तुम्हारे परिवार में सबकी रक्षा करूंगा, मैं सबका ध्यान रखूंगा, सबका बोझ उठाऊंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। दूसरी बात कही कि जो भी बच्चे तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें मेरे बारे में बताओ और मैं उन सब की रक्षा करूंगा। तीसरी बात, तुम एक वचन पर ध्यान लगाओ और वो वचन है कि प्रभु मेरे चरवाहा हैं। इस वचन को बार बार 10 बार दोहराओ, दोहराती रहो, दोहराती रहोगी तो वचन तुम में आ जाएगा और आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। और जो प्रभु ने उसे स्वर्ग लोक में कहा था वो सारी बातें उसने मुझे बताई और ये बातें सुन के हम सभी का विश्वास प्रभु पर बढ़ गया था। छोटे बच्चों को, माँ बाप को अधिक से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, माँ बाप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, साथ ही साथ छोटे छोटे जो दोस्त हैं स्कूल में साथ में पढ़ते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी रक्षा होगी। छोटे बच्चों की प्रार्थना प्रभु स्वर्ग लोक में तुरंत सुनते हैं और तुरंत ही तुरंत चमत्कार होता है और ये हम सब जानते हैं। हमें अभी से तीसरी बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा कि प्रभु ने बच्ची से कहा था कि उस खास वचन पर जितना ध्यान देंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। उदाहरण के लिए अगर ये वचन प्रभु मेरे चरवाहा है हमारी टीम के सभी लोग बार बार 10 बार से अधिक दोहराएं तो और उस पर ध्यान दें तो प्रभु हमारा अभिषेक करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, रुकावट दूर होगी। जो भी विश्वासी आते हैं मैं उनसे कह रही हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना और आराधना भी करती हूँ ये सब एंजेलिना नर्मुगाई के द्वारा होने के लिए। इसी तरह जो भी बच्चे देख रहे हैं, छोटे बच्चे, वो सभी इसी तरह एंजेलिना नर्मुगाई उसी तरह प्रार्थना करो और आराधना करो, बाइबल पढ़ो और विश्वास करो, वचनों को याद करो, प्रभु के साथ चलने की कोशिश करो। तुम्हें प्रभु के साथ हमेशा चलना चाहिए और तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए और वचन को भी 10-10 बार बोलो और वचन से खुद को भर लो। तुम ऐसा करोगे तो प्रभु अद्भुत चीजें तुम्हारे साथ करेंगे। और बस इतना ही नहीं होगा, तुम अपने माँ बाप के भार के साथ प्रार्थना करो, तुम अपने सारे दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो और जिसके लिए भी तुम प्रार्थना करोगे उसके सर पर हाथ रखेंगे प्रभु और तुम्हारी मांगी हुई सारी प्रार्थनाओं का फल वो उन्हें देंगे। और प्रभु ने एंजेलिना के द्वारा सारी बातें उजागर की हैं, बहुत ही अद्भुत है। बस इतना ही नहीं, इतने सारे लोगों ने ये सुना है कि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो कहेंगे ऐसा नहीं होता है, स्वर्ग लोग ऐसा होता है, क्या वो वहाँ गए हैं, ये तो बस बच्चों की कल्पना है, उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं होगा। उन सब लोगों से मैं एक बात कहूँगी, स्वर्ग लोग 100% सच है।
इन आखिरी दिनों में छोटे बच्चे स्वर्ग लोक को ले जाए जा रहे हैं, प्रभु वहाँ की बातें बता रहे हैं और ये एंजल टीवी के कार्यक्रम के द्वारा सबको बताया जा रहा है। प्रभु के बारे में पता चल रहा है, प्रभु पर विश्वास करो, स्वर्ग लोक जरूर है। हम बड़ों का मन ये सब नहीं मानेगा, पर वचन के हिसाब से जो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं उन पर विश्वास करिए। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो सचमुच वैसा ही होगा और हमारी तरह आपके साथ भी अद्भुत चीजें घटेंगी। इसीलिए जो भी बच्चों पर विश्वास करेगा, उन पर ध्यान देगा, उनको प्रभु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और उनके जीवन में प्रभु बहुत ही अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु की कही बातों को हमारी दोस्त बहुत ही अच्छी तरह से मानती है। वो एक वचन पढ़ती है, उस पर ध्यान लगाती है और सबके साथ बैठकर अपने घर पर उसके बारे में बातें करती है। वो चाहती है कि सभी बच्चे प्रभु के साथ उसके जैसे ही रहें। अगर तुम प्रभु को ढूंढोगे तो उन्हें जरूर पाओगे। हमारी दोस्त तुम लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। प्यारे दोस्तों, क्या तुमसे कार्टून देखना नहीं छूट रहा? ये जो है शैतान का ही काम है। हम उन सबको भगाने के लिए प्रार्थना करें? प्रार्थना करें ना दोस्तों, चलो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। यशुआ पिता, आप हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। प्रभु यशुआ, सभी जो शहर में रहते हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। यशुआ पिता आशीर्वाद दीजिए, सबकी रक्षा करिए और सबको आशीर्वाद दीजिए। यशुआ पिता, यशुआ पिता मेरे जैसे बच्चों को अभिषेक करिए और अन्य भाषा का उपहार दीजिए। यशुआ पिता आप सबको आशीर्वाद दीजिए। यशुआ पिता शाबाबारी आबारी, शाबाबारी आबारी, शाबाबारी आबारी, शाबाबारी कशोपित, शाबाबारी आबाबारी, शाबाबारी आबाबारी, आबाबारी। हाँ यशोपिता, सबको आशीर्वाद दीजिए। प्रभु सभी इंसानों की आप रक्षा कीजिए। यशोपिता, यशोपिता सभी स्कूल को आशीर्वाद दीजिए और वहाँ के बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ यशोपिता, मेरे स्कूल में सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरे स्कूल के अलावा सभी स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ यशोपिता, मेरे दोस्त, मेरे सारे दोस्त आपके पास आने चाहिए, आने चाहिए। यशोपिता प्रभु आप सबको आशीर्वाद दीजिए और रक्षा करिए। प्रभु यीशुआ के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। इसी तरह अगर आपके बच्चे का भी आत्मिक अनुभव है तो हमें इसके बारे में तुरंत लिखकर भेजिए और अगर उसने दर्शन देखा हो तो वो भी अनुभव लिखकर भेज दीजिए। आई एन रहे एंजल टीवी, विली वाकम, चेन्नई 49।